नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं और वो विषय ये है कि पिछले 2 साल से जब कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दरमियान भी, तब से लेकर अब तक पिछले 2-3 सालों में आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि पूरे भारत के अंदर, और अगर फिल्म इंडस्ट्री को भी उसमें काउंट कर लें, उसमें जोड़ लें, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, उसके अलावा अपने आसपास भी तमाम ऐसी मौतें हो रही हैं या तमाम ऐसे लोगों की डेथ हो रही है, जिसे कहना चाहिए, जो हार्ट अटैक्स की वजह से हो रही है। हार्ट अटैक एक ऐसी घटना है जो कभी भी किसी समय हो सकती है, ये एक हकीकत है, लेकिन इस 2 साल में जितनी भी हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं बहुत यंग एज में हुई हैं। जैसे आप अगर फिल्मी कलाकारों की बात कर लें, तो सुशांत सिंह राजपूत से जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद एक के जो सिंगर थे, उनकी डेथ हुई। उसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत अच्छे एक्टर थे, उनकी डेथ हुई। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग आसपास अभी भी आप देख रहे हैं जो लगातार ऐसी डेथ होती जा रही है। राजू श्रीवास्तव भी पिछले 15 दिन से एडमिट हैं हार्ट अटैक की वजह से। तमाम ऐसे लोग अगर आप देखेंगे, अभी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे अपने चारों ओर, तो आपको समझ में आएगा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वजह से आज मृत्यु के ग्रास बन चुके हैं, और उनकी एज इतनी नहीं थी जितनी कि एक होनी चाहिए। अगर हम मानते हैं कि हार्ट खराब होने की एक पर्टिकुलर एज होती है 50 के बाद या 60 के बाद, उतनी नहीं थी, उससे पहले ही थी। लोग अधिकतर लोग 50 ईयर्स के आसपास की जितनी भी मौतें हुई, 50 ईयर्स के अंदर के लोगों की हुई हैं। तो हम इस विषय पर जानने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम एक एक्सपर्ट के पास आए हैं, क्योंकि हमें लगता है इस विषय पर आप लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहिए, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, आप लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये जिज्ञासा भरा प्रश्न हमारे जहन में भी था। बरेली लाइव की टीम आज आई है लाइफ आर्ट एक्सपर्ट और इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर विशेष कुमार जी से मुलाकात करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जवान मौतें लगातार हो रही हैं। विशेष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बरेली लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन खान जी। विशेष जी, पिछले दिनों में, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, कि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना काल के बाद से ये सब घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हार्ट अटैक के मरीज तमाम हो रहे हैं और एकदम से उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो बच भी नहीं पा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी पिछले 15 दिन से एडमिट हैं हार्ट को लेकर ही, और ऐसे तमाम लोग, ऐसी तमाम घटनाएं आपके भी आसपास होंगी, आपको भी कई बातों के बारे में पता हो, कई ऐसे लोगों के बारे में ज्ञात होगा कि जिनके साथ ऐसी घटना हुई। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं सच में ये हार्ट अटैक ही है, या इसका प्रारूप चिंता या अवसाद से रिलेटेड है? अगर है, क्या ये क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बरेली लाइव को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे विषय पर चर्चा उठाई है जो आज की डेट में पूरे समाज के लिए जागरूकता पैदा करने वाला है। समाज ही नहीं, साथ साथ पूरे भारत के लिए ये एक जागरूकता का संदेश है कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह की जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं बहुत कम उम्र में, इसके पीछे कारण क्या है। बेसिकली होता क्या है कि कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से एक संग एक्सपायर होता है, 2-3 दिन उसके बारे में चर्चा होती है, उसके बाद पूछिए। लेकिन आप ये देखिए कि इन सब में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर युवा वर्ग सम्मिलित हैं, यानी कि 35, 40, 42, 45 तक के अंदर के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी में आते हैं, इनकी काउंटिंग हम लोग युवा में करते हैं। अगर आप देखें इसके पीछे का तथ्य, जो साइंटिफिक रीज़न है, अगर हम उसको भौतिकवाद से जोड़ें, क्योंकि आज का जो भौतिकवाद युग है, हम देख पा रहे हैं कि विलासतापूर्ण जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती जा रही हैं, क्योंकि भौतिकता और सूचना क्रांति के युग में लोग कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं, और इसका असर उनके अंदर भीतरी अवसाद है, भीतरी तनाव है, जिसके ऊपर वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, बजाय उसके कि इंटरनल पे कितना काम ज़रूरी है। दूसरा, आज की डेट में लोग जिमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जिम करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिम करने के बाद लोग कुछ समय के अंतराल में उसको छोड़ देते हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम आपकी बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है। दूसरा, अगर हम योग की बात करें, तो योग आपकी स्थिरता को बढ़ाता है, आपकी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ता है। हालांकि मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना नहीं है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में योग ने दिशा बदली है। दूसरा कारण आपका अवसाद का हो गया। तीसरा, स्ट्रेस का हो गया। जो आप स्ट्रेस दिन भर तनाव लेते हैं, वो तनाव आपके अंदर किस तरह से काबिज होकर आपके मांसपेशियों को, आपके हार्ट को, लीवर को, किडनी को और पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मैं बात करूं छोटी सी गुस्से की, गुस्से को लेकर आज जगह जगह लोग आए जाते हैं, चाहे बात छोटे बच्चों की करें या बड़े लोगों की करें या टीनेजर्स में बात करें, कहीं ना कहीं गुस्सा उस चीज़ का पीछे कारण है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण ये निकल के आता है कि बहुत से लोग एस्टेरॉइड का सहारा लेते हैं, जो जिमिंग वगैरह करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग बाहर का जो खान पान कर रहे हैं, उसमें रिफाइंड का यूज़ हो रहा है। जानते समय रिफाइंड नुकसानदेह, लेकिन उसके बाद हम लोग मानते नहीं हैं, वो चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है।
दूसरा सेल फोन का बढ़ता हुआ प्रयोग ये भी कहीं ना कहीं हुआ है। और दूसरा एक और कारण ये भी ले सकते हैं कि जितना भी ये तनाव अपनी बॉडी में ले रहे हैं बढ़ता जा रहा है वो धीरे धीरे, आप उसको खाली नहीं कर रहे हैं, आप उस तनाव को खाली नहीं कर रहे हैं। जब आप मोबाइल की मेमोरी को भरते चले जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो एक दिन होगा। तो ऐसी आपका मन है। अच्छा, एक कारण और भी सामने आता है कि आप ये देखिए कि पिछले कोरोना काल के बाद, इसका मैं एक साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ, देखिए कोरोना काल में तमाम हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई और उस डेथ के दौरान बहुत से लोगों का जो इनिशिएशन होना चाहिए, इनिशिएशन होता है या जो भी रिचुअल्स चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाई। अब वो जब नहीं हो पाई तो ये मान के चलिए कि जो उनकी तरंगे हैं, उनकी वाइब्रेशन, उनकी सोल की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होनी होनी है और उसका असर कहीं ना कहीं इस फिजिकल वर्ल्ड में पड़ रहा है। इस बात से आप हो सकता है तारुफ जानकारी रखते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ एनर्जी साइंस की, और एनर्जी साइंस यानी कि ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इन द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कन्वर्ट इन एनर्जी और फिजिकल रियलिटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी क्या रखा है, एवरीथिंग इज इन अ वाइब्रेशन, सब कुछ तरंगों पर ही आधारित है, हमारा जीवन उसी पर आधारित है। तो बस ये है कि बात सिर्फ इतनी सी कि हम उस पर ध्यान ले जाएं, और जब हम उस पर ध्यान ले जाएंगे निश्चित रूप से आप उस पर काम करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। आज एनर्जी साइंस जुड़कर हजारों लोग फायदा ले रहे हैं। बाकी रही बात दिक्कत की, वो किसी को कहीं भी हो सकती है। अब इसका एक और रीज़न समझते हैं बड़ी लाइफ में, उसका एक रीज़न ये समझिए आप कि किसी भी व्यक्ति की जो हॉरोस्कोप होती है यानी कि उसकी उसके जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस कंडीशन में इस समय मौजूद हैं, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप उसके किसी एक्सपर्ट से जो हॉरोस्कोप की रीडिंग करते हैं आप उससे अगर उस व्यक्ति की एनालिसिस कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मालूम चल जाएगा सचिन जी कि हाँ उस फला व्यक्ति के उसमें ये चीज़ इस प्लानिटरी सिस्टम में यूनिवर्सल उसमें आ रही है, इस वजह से उसको ये दिक्कत हुई या भविष्य में हो सकती है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। मेडिकल साइंस की बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रकृति की बात करें, अगर हम प्रकृति से जितना जुड़ेंगे, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस रखेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस रखेंगे, हम प्रकृति जितना मतलब तारतम्य होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ईश्वरीय चीज़ों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तनाव कम होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेशंस में, देखिए तनाव आपको लेना पड़ेगा, आप चाहे किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन ये तनाव आप अंदर तो नहीं रखे हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उस तनाव को खाली करना बहुत ज़रूरी है। आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में सेशंस होते हैं, मीडिया हाउस में होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में सेशंस होते हैं, तो वो चीज़ क्या है, हर जगह आप देख ही रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। कुछ लोग क्या है, अपने आप को खुश रखने के लिए लोगों को दिखाते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन दिखावा करते हैं, मतलब खुश रहने का दिखावा करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे। तो बेसिकली देखिए इनर स्माइल का नाम ही इनर से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग पे काम करना है। आप कितने खुश हैं कितने खुश नहीं, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता है, दूसरा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है ना। वही चीज़ इन बड़े बड़े जितने भी हस्तियाँ हैं ये लोग, उनके संग लाइमलाइट जुड़ी होती है तो लोगों को लगता है भाई इनकी लाइफ में क्या दिक्कत है, ये तो बढ़िया पैसे से संपन्न हैं और इतना नेम फेम, तो इन्हें क्या हो गया ऐसा, तो है तो आखिर इंसान वो भी है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ परेशानी तो उनके साथ भी चल रही है, परेशानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि उन परेशानियों से आप अपने आप को किस तरह से निकाल पा रहे हैं, आप उसके लिए काम कैसे कर रहे हैं। समस्या आना लाजमी है जीवन में, समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन आप उस समस्या से किस प्रकार से जूझकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि कहते हैं फेल्योर हो चाहे अपने असफलता हो या कुछ भी हो, आपके जीवन में जो फेल्योर है वो एक सक्सेस ऑफ डायमंड का काम करता है, वो सक्सेस ऑफ डायमंड आपकी उसी फेल्योर में ही छुपी हुई है। समस्या आती ही जीवन में परिवर्तन करने के लिए है, बस समझिए मेरे आप कि समस्या जो आ रही है जीवन में केवल परिवर्तन के लिए आती है। अब वो परिवर्तन आप किस प्रकार से करते हैं, अपने मनोभावों का, अपने विचारों का, अपनी फिजिकल एबिलिटी का, अपने मेंटल फिजिकल जो भी चीज़ें हैं, वो परिवर्तन होना लाजमी है, क्योंकि संसार का जो नियम है सचिन जी वो परिवर्तन पर ही आधारित है जी। अच्छा, अभी आपने जैसे जितनी बातें बताएं उसमें दो बातें मेरे जहन में अटकी हैं, जैसे दो प्रश्न उठते हैं मेरे जहन में। एक तो पहले आपने कहा कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा दिक्कत करता है या खान पान का, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आदमी खान पान बाहर खाना ही छोड़ दे, उल्टा सीधा खाना मतलब भारी खाना छोड़ दे, या इस तरह का खाना बिल्कुल ख़त्म कर दे, और अगर क्या मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दे तो उससे उनकी जान बच सकती है। और जो आपने दूसरी बात कही कि इनके जितने भी इन बड़े बड़े लोगों के जोशी होंगे या इनको जो समझाने या इनको बताने वाले, इनकी कुंडली देखने वाले, इनके प्लैनेट्स को देखने वाले लोग होंगे, तो क्या उन्होंने इनको बताया नहीं होगा? तो पहला सवाल मेरा ये है कि क्या खाना छोड़ दें या मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दें तब जाने बच जाएंगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इन लोगों को, क्या इनके जोशी ने और इनके जो रीडर हैं उन्होंने बताया नहीं होगा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने पहले बोली कि इस भौतिकवाद युग में रहते हुए अपने आप को तनावपूर्ण मतलब मुक्त कर देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। जो पहले का लाइफस्टाइल था वो आज तो है ही नहीं,
अब रही खाने की वजह से आपने कहा खाना छोड़ दिया, नहीं खाना मत छोड़िए, खाइए, क्योंकि आपको बाहर रहना भी है, जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, लोगों से मिलना भी है, सोशल गैदरिंग में भी जाना है, तो कहाँ तक आप बच सकते हैं, आप बच ही नहीं सकते। अगर हम सब्जियों की बात करें जो सुबह वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं अपने घर पे आती हैं, तो वो क्या शुद्ध मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब पेस्टिसाइड से आ रही हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एक चीज़ हो सकती है कि हम अपने ऑर्गन्स को प्योरीफाई रखें, डिटॉक्सिफिकेशन करें, जैसे हम लोग एनर्जी साइंस में बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन इज मस्ट। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ का होता है? डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है आपके फिजिकल बॉडी का, आपकी इमोशनल बॉडी का, आपकी कार्मिक लेयर्स जो होती हैं उनका हो सकता है, आपके थॉट्स का, हर चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है आज की डेट में। क्योंकि जितना डिटॉक्सिफिकेशन आप करेंगे उतना ज़्यादा आप प्योरीफाई होते रहेंगे, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, आप तनाव से मुक्त होते रहेंगे, भीतरी आनंद अपने आप आएगा। लोग कहते हैं ना मेरे सेशन में कि सर बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, तो ये क्यों हो गया? आप पहले ये देखिए कि अगर किसी को तनाव डिप्रेशन हो रहा है तो उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसे क्या है डिप्रेशन है, किस चीज़ का, क्या वो पर्सनल लाइफ डिप्रेशन हो गया या जॉब बिजनेस फाइनेंशियल पर्सनल जो भी मतलब व्हाट्स एवर जो चीज़ें चल रही हैं। तो पहले तो वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करे, क्योंकि आप जितना अपने ही बारे में सोचते रहेंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तनाव से आप घिरेंगे घिरेंगे डिप्रेशन से घिरेंगे। डिप्रेशन और साथ है तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए कोई बीमारी नहीं है मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देने का जो काम करती है वो डिप्रेशन करती है। तो इसलिए अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी ना। अक्सर लोग मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे सेशंस कॉल्स रहती हैं कि किसी दूसरे की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंस की सामने वाले को दे दी, देते ही हैं लोग, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी इनर हैप्पीनेस की जो की है चाबी है वो कहीं उसने किसी दूसरे को तो नहीं दे रखी है। अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, तो पहली चीज़ तो आप अपनी मुस्कान की जो चाबी है किसी दूसरे को देना तो बंद कर दें, सबसे चीज अगर आप अपने खुश रखना चाहते हैं अपनी की अपने पास रखें। जब आप घर में जाते हैं कि बाहर जाते हैं डोर में ताला लगाते हैं चाबी अपने पास रखते हैं ना, या किसी पड़ोसी को दे देते हैं भैया हम इतनी देर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है सब जगह बांट आते हैं। तो आपकी भी एक इनर हैप्पीनेस है, उसको डिस्टर्ब करने का लोगों पे राइट है, ठीक है लोग करते हैं करेंगे अपनी बातों से अपने विचारों से अपने जो चीज़ों से। इसीलिए मैं कहता हूँ ना इंटरप्रिटेशन जैसी होगी आपकी, आपके आसपास जो इंटरप्रिटेशन आप बनाते हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, तो वैसे ही आपका माइंड काम कर रहा है। अब दिन भर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं ना, पॉजिटिव भी आएंगे निगेटिव आएंगे, लेकिन कौन सी फाइल ऊपर खुल रही है वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव भी है बॉडी के अंदर है निगेटिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब आप किस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं इट्स अप टू यू, आप किस पर काम कर रहे हैं। नेगेटिव विचार आया आप उसको पकड़ के बैठ गए, सोचते रहते हैं रात में नींद नहीं आ रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, या पॉजिटिव आया उस पॉजिटिव पर आपने कितना काम किया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं। अच्छा एक महत्वपूर्ण बहुत बात मैं आपके चैनल पर जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी बीमारी हो, बीमारी कोई भी हो, जितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बीमारी कोई भी हो फिजिकल बॉडी में नहीं होती है, बॉडी कभी भी फिजिकल बॉडी में नहीं होती है, मतलब जो बीमारी है डिजीज़ वो कभी फिजिकल बॉडी में नहीं होती है, फिजिकल बॉडी में केवल लक्षण होते हैं जिससे हमें ये मालूम चलता है कि व्यक्ति को ये बीमारी हो गई, हार्ट की लीवर की किडनी की पैनक्रिया जो भी व्हाट्सएप बीमारियाँ चल रही हैं। बीमारी हमेशा होती है उसके अन्य शरीरों में, यानी कि मनो में कोश, प्राण में कोश, ज्ञान में कोश, ये जो फाइव बॉडीज हैं इसके आयुर्वेद में इसका विवरण दे रखा है, पंच में कोश, बीमारी का जो इम्प्रेशन है जो साइकोसोमेटिक इम्प्रेशन उसकी छाप है वो उस शरीर में है, उस शरीर से होता हुआ वो आपकी फिजिकल बॉडी में आ गया, तब आपको मालूम चलता है लक्षण के रूप में। तो देखा जाए तो लोग स्वस्थ पैदा हो रहे हैं ना सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना स्वस्थता एक प्रकार की नहीं एक ही प्रकार की है, अस्वस्थता जो है कई प्रकार की है। आप ऐसे बात समझिए कि आप किसी को कह सकते हैं कि भैया फला व्यक्ति इस चीज़ से बीमार है, या किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो इट मीन स्वस्थ है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है, कारण नहीं कि मैं इसलिए स्वस्थ हूँ, मैं तो हूँ तो हूँ, और अगर आप बीमार हैं तो आपके पास रीज़न है कि मुझे बुखार आ गया या मुझे ये हो गया या ये हो गया, तो इस वजह से हुआ। तो सबसे मेन चीज़ तो यहीं क्लियर हो जाए कि फिजिकल बॉडी में जो चीज़ें आती हैं बीमारी के रूप में वो लक्षण है, वो सिम्टम के रूप में आपको जो आपको बता रही हैं कि आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए। अब उस बीमारी का लक्षण कहाँ से, लक्षण तो दिख गया लेकिन वो आई कहाँ से, वो आई आपके मन शरीर से। WHO कहता है कि 80% 90% जो बीमारियाँ हैं आपकी सोचने से होती हैं, लेकिन 100% बीमारियाँ आपके आज के डेट में सोचने से होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपके कि अधिकतर 100% बीमारियां हमारी सोचने से होती हैं, यानी मन से अगर व्यक्ति सोचता है तभी वो बीमार होता है। इस पर और थोड़ा और डिटेल में इस पर बताइए थोड़ा। देखिए सारी बीमारियों का जो साइकोसोमेटिक रीज़न है वो आपके मन से जुड़ा हुआ है, कहते हैं बीमार मन बीमार विचार देगा,
अगर विचार स्वस्थ नहीं आ रहे हैं इसका मतलब मन कहीं ना कहीं बीमार है। कहते हैं कि मन आपके अंदर है कि बाहर है, सेशन में अक्सर पूछा जाता है, गुरुदेव भी हमारे कहते हैं। तो आपके अंदर मन नहीं है, मन आपके बाहर है, आप मन के अंदर हैं। क्योंकि जब आप देखिए, जब आपका मूड स्विंग होता है या आपके कभी विचार नेगेटिव होते हैं या कोई इंसिडेंट घटती है, तो आपका वही मनोमय कोष शरीर जो है वो श्रिंक हो जाता है, आपका मन स्थिर हो जाता है। या ऐसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई अटेंडम के एक संग कोई प्रॉब्लम आई, या कोई आपने बात सुनी, कानों से कोई घटना सुनी, या आपका कुछ ऐसा जिसने आपको शॉक दिया, तो उस समय क्या होगा कि आपकी भूख गायब हो जाएगी। आपने कभी नोटिस किया हो, अक्सर ऐसा हो जाए, आपके सामने आपकी फेवरेट चीज भी रखी हो, आप नहीं खाएंगे, मन खराब, कहते ना मन खराब है यार, खट्टा है। अब उसका साइंस समझिए आप कि उसका कनेक्शन आपके मणिपूरक चक्र से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी चीज मन खराब हुआ, आपके सामने कुछ भी रखा, आपका मणिपूरक चक्र श्रिंक हो जाएगा। जब मणिपूरक श्रिंक हो गया, यानी अग्नि तत्व का जो कारक होता है वो श्रिंक हो गया, तो भूख तो वैसे ही नहीं लगनी है, गेटिंग माय पॉइंट ना, तो वो हट जाएगी। तो सारा कनेक्शन आपके पेट से, आपके मस्तिष्क से। अच्छा, आज की डेट में क्या है, तीन माइंड है आपके। मेरी लाइफ में मैं बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में तीन माइंड है। पहला मस्तिष्क तो हमारा ही, दूसरा मस्तिष्क कहते हैं पेट है, पेट बोलते, लेकिन आज की डेट में तीसरा मस्तिष्क हमारा सेलफोन हो चुका है। वो हमारे हाथ में, वो हमको चला रहा है या हम उसको चला रहे हैं, ये समझना। अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे 15 मिनट के लिए, आपका आधा घंटा गायब हो जाएगा। आप काम कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को सही करना, सटीक चैनलाइजेशन करना, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। आज इसमें यूथ फंसते जा रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे, आज मोबाइल के एडिक्शन हो चुका है उन्हें, गेमिंग का एडिक्शन हो चुका है बुरी तरह से। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनके बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, अगर वो वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो सेलफोन लेके जा रहे हैं। आप उनको इस तरह की मतलब जकड़ लिया उसके माइंड ने, तो ये अपने आप में बहुत ही भ्रामक और मतलब एक इंडिकेशन है जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। ये समझने वाला विशेषण जी। जी, तो कुल मिला के इससे ही बात से ये समझा जाए कि जितनी भी ये घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क की खराबी की वजह से हुई हैं। कहीं ना कहीं जो मन में जो विचार चल रहे हैं वो एकदम से आदमी के हार्ट को ख़राब कर देते हैं और उससे ये घटनाएं हो जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है। आपके अंतर मन में क्या विचार चल रहे हैं ये आप स्वयं जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता।